हाय एवरीवन वेलकम बैक टू इनवेक्चर्स सो आज के इस वीडियो में हम यूपी फ्री लैपटॉप योजना के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे हम सब कुछ देखने वाले हैं सो बेसिकली आप लोग के बहुत सारे डाउट्स थे यू फ्री लैपटॉप योजना से रिलेटेड uh, जो कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ और, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सो so, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ऐसे ही स्कॉलरशिप uh, से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब या करियर से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो योजना है ये इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि स्टूडेंट को अपने स्टडी में हेल्प मिल सके और इसके साथ साथ इंडिया को डिजिटलाइजेशन कर सके सो so, यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सिर्फ इसके अनाउंसमेंट हुई है 19 अगस्त 2021 को योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंसमेंट की थी कि वो अराउंड वन करोड़ मोबाइल एंड मोबाइल या स्मार्टफोन या फिर टैबलेट ये दो चीज़ें उन्होंने कही थी यहाँ पर लैपटॉप की बात नहीं की गई थी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जहाँ पे लैपटॉप भी मैंशन किया गया है लेकिन मैं आपको क्लियर बता दू आ, उनका जो ट्विट था जिन आ, जहां पर उनका एक वीडियो था बेसिकली तो वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट जो की थी वहां पर सिर्फ दो ही चीज़ें उन्होंने कहा था एक स्मार्टफोन और एक टैबलेट तो ये दो चीज़ें अराउंड वन करोड़ स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी जिसमें थ्री थाउजेंड करोड़ बजट हो सकता है तो थ्री थाउजेंड करोड़ बजट में वन करोड़ फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन स्टूडेंट को जो यूपी के रहने वाले हैं यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक और इसका ना ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो रजिस्ट्रेशन जब भी स्टार्ट होगा इस चैनल के थ्रू ही आपको पता चलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं सो so, यहाँ पे बेसिकली वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो टेंथ या ट्वेल्थ पास कर चुके हैं या फिर अभी पॉलिटेक्निक आईटीआई ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहे हैं इवन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी परसों कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन ये है कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर आपने टेंथ या ट्वेल्थ यू बोर्ड से किया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे लेकिन अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटी uh, है uh, जो होनी चाहिए एंड इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स अभी कर रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक like इस साल अगर आपने ड्रॉप कर लिया है तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एक और चीज़ यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम है वो टू पॉइंट फाइव लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये भी अभी कंफर्म नहीं है सो so, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो तभी कंफर्म होंगे तभी आपके क्लियर होंगे जब आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के बीच में स्टार्ट हो जाएगा सो कह सकते हैं कि अक्टूबर के मंथ में ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है लाइव वीडियो रहेगा तो वो वीडियो भी इसी चैनल पर आएगा तो अभी तक चैनल को सबसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा चलिए आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे अभी से आप प्रिपेयर कर लीजिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर आपने यूपी बोर्ड से टेंथ या ट्वेल्थ पास किया है यहाँ पे एक और चीज़ है कि टेंथ या ट्वेल्थ में आपके 65 फाइव परसेंटेज से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है इससे कम है तेन आप अप्लाई नहीं कर सकते तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सो so, यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार इनरोलमेंट आईडी भी दे सकते हैं इसके अलावा वोटर आईडी लाइसेंस ये सारी चीज़ें पैन कार्ड ये सारी चीज़ें भी आप दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा टेंथ एंड ट्वेल्थ की मार्कशीट अगर आपने टेंथ पास किया है तो टेंथ की मार्कशीट चाहिए होगी अगर ट्वेल्थ पास किया है तो ट्वेल्थ एंड टेंथ दोनों की मार्कशीट चाहिए होगी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मोबाइल नंबर एंड ई एड्रेस ये दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगी तो आप चेक कर लीजिएगा कि एक्सपायर ना हुआ हो अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप फिर से एक न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 2.5 लाख फाइव लैक्स से कम होनी चाहिए फैमिली एनुअल इनकम तो इसके लिए इनकम सर्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉलेज में कोई भी कोर्स परसू कर रहे हैं तो उसका जो फी रिसिप्ट है या एडमिशन प्रूफ जो है वो आपको देना होता है ताकि इससे ये प्रूफ हो कि आप अभी करेंटली कि किसी ना किसी अकेडमिक सेशन में इनरोल्ड है ठीक है इसके अलावा और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो भी मैंशन होगा वो सारी चीज़ें वहां पर मैं आपको बता दूंगी सो यूपी फ्री लैपटॉप योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप यूपी के रेजिडेंट होने चाहिए इसका जो भी नोटिफिकेशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको वहाँ से आप चेक करते रह सकते हैं इसके अपडेट्स के लिए और कोई डाउट है यहाँ पे एक और चीज़ यू बोर्ड वाले ही अप्लाई करेंगे या फिर आई सी आई या फिर सी सी बोर्ड वाले तो इसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं है जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा ठीक है सो कोई कोर्स अभी परसू कर रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं फर्दर uh, डिटेल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच एंड टेक केयर